हेलो फ्रेंड्स, आज मैं तीनों स्टेट को एक ही इंग्रेडिएंट्स में जोड़ने वाली हूँ और वही एक इंग्रेडिएंट्स किस तरीके से तीनों रेसिपी बनाया जाता है वो मैं दिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने पहला जो रेसिपी है मेरी, उसके लिए मैंने लिया है चना दाल और उड़द दाल, दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मैंने लिया है और 5-6 घंटा भिगोने के बाद उसकी पानी स्ट्रेन कर दिया है मैंने। स्ट्रेन करने के बाद इसे मैं मिक्सी में ब्लेंड कर लूँगी। इसके साथ मैं मिक्स करूंगी अदरक लहसुन की पेस्ट, ग्रीन चिलीज। आपको जितना तीखा खाना है, जितना ज़बरदस्त तीखा खाना है तो खा सकते हो, तो बहुत अच्छा लगता है टेस्ट। इसके साथ जाएगा नमक, हल्दी, ये सब कुछ एक साथ ब्लेंड कर लिया है मैंने। जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है चावल के आटा, जो यहाँ पे मैंने ख़रीदा है। ज़्यादातर क्या किया जाता है, इसको गर्म पानी में बॉयल किया जाता है, लेकिन नहीं, मैं पानी नमक के साथ बॉईल करके इस चावल के आटे को गूंथ लूँगी। गुजरात में चावल के आटा बहुत अच्छे होते हैं, इसको अलग से इस तरीके से बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए कितना सॉफ्ट बने हैं। और जो मैंने मिक्सी में ब्लेंड करके रखा था दाल, उसमें डालूँगी मैं कच्चा प्याज बारीक काट के और धनिया पत्ती। आप और भी मिर्ची खा सकते हो तो डाल सकते हो। एक स्ट्रेनर को मैंने ग्रीस कर लिया है। अभी चावल के आटे को मैंने ढक के रखा था गूंथने के बाद एक भीगे हुए कपड़ों से, उससे मैंने एक बॉल्स ले लिया है। लेके इसमें देखिए इसे बेल के एक रोल टाइप का बना लिया है। इसके अंदर मैं वो कच्चे हालत में ही वो स्टफिंग डालूंगी। ऐसे स्टफिंग डाल के हल्के हाथों से, बहुत ज़ोर से दबाना नहीं है तो स्टफिंग निकल जाएंगे। अब स्ट्रेनर के ऊपर मैं रख दूंगी। इस तरीके से रखने के बाद पानी उबल रही थी तो उसके ऊपर रख के मैं 10 मिनट तक स्टीम करूंगी। हो गया है, स्टीम हो गई है, तो ये ठंडा करने के बाद मैं ऐसे पीसेस में काट लूंगी। देखिए इस तरीके से पीसेस में मैंने काट लिया है। मेरी रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। पैन में मैंने तेल ले लिया है, इसमें डाला है मैंने हल्दी, जीरा और उसके ऊपर मैंने सारे जो पीसेस मैंने कटे थे वो मैंने डाल दिया है। ये मैंने बनाया है यूपी के भकोसा गोजा, ये बोला जाता है, फारा भी बोला जाता है। नेक्स्ट रेसिपी के लिए मैंने चावल के आटे को ही इस तरीके से, देखिए, कुरकुरे शेप में काट लिया। और बंगाली रेसिपी के लिए मैंने इस तरीके से इसको ऐसे बना लिया है, बहुत छोटे छोटे पीसेस। ये देखिए, ये है सेकंड रेसिपी के लिए मैंने बनाया है ये कुरकुरे टाइप का। और उसके साथ मैंने बंगाली रेसिपी के लिए मैंने बनाया है ये छोटे छोटे, एकदम पतला पतला। तो सबको ही मैंने वही 10 मिनट रख के स्टीम कर लेना है। इसके बाद फिर वापस पैन गरम करना है। दिस इज़ द सेकेंड रेसिपी। और उसमें जीरा और कड़ी पत्ते का तड़का देना है और प्याज बारीक काट के इसमें डाल देना है और अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद मैं डाल रही हूँ हल्दी। मैं यहाँ पे कश्मीरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। आपको बहुत तीखा खा सकते हो, बहुत ज़्यादा, मैंने बोला है पहले, ज़बरदस्त तीखा डालिए। मैंने बारिश की सीज़न है तो टोमेटो बहुत सड़ रहे थे तो मैंने उसका प्यूरी बना के रखा है। आपके पास फ्रेश टमाटर है तो आप डाल सकते हो। अब स्टीम किया हुआ जो मैंने बनाया था, ये फारा है, एमपी का फारा, यही मैं बना रही हूँ। तो ये फारा मैंने डाल दिया जो कुरकुरे शेप में मैंने बना के रखा था। इसको डाल के इसको एकदम सूखा करके सर्व करना है। हो गया सेकेंड। थर्ड जो वेस्ट बंगाल की प्रोसेस है, दैट इज़ चुशी पीठा। इसको बनाने के लिए दूध को उबालना है और गाढ़ा कर लेना है और उसके अंदर स्टीम किया हुआ वो चुशी जो मैंने स्टीम करके रखी थी वो डाल देना है। और उसके साथ मैं डाल रही हूँ शक्कर मीठापन के लिए। आमंड, इलायची और जायफल को मैंने ऐसे क्रश कर लिया है, अच्छे से एकदम करने के बाद डाल दिया है और दूध एकदम गाढ़ा हो गया है। तो तैयार हो गई है वेस्ट बंगाल की चुशी पीठा। तो देखिए ये बन गई है मीठा, दो तीखा और एक मीठा। ये है यूपी का भकोसा या गोजा, ये है एमपी का फारा, ये है वेस्ट बंगाल की चुशी पीठा।